السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه تُقلبون وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير هو گا عذاب دے گا اور جس پر گا رحم کرے گا اور تم اسی کی न तो तुम जमीन में अल्लाह को आजिज कर सकते हो न आसमान में अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई वली है न ना मददगार नाज़िर ने कम दो आयतों की तबसर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं पहली आयत फरमाएमय अल्लाह तिसे चाहेगाजाब देगा और जिस पर चाहेगा रहम करेगा तुम उसी के पास पलट करके जाओगे अजाब कब होगा अजाब की दो सूरत एक अजाब दुनिया में होता है एक अजा आख़रत में होगा दुनिया का अजाब भी मुख्तलिफ शक्लों में इंसान के पास आता है सैलाब है तूफान है आदि जल है जलजला है हादसात हैं या बाद जराय पर वाक़ होने वाली सजाएँ हैं और आखरत का अजाब तो बड़ा ख़तरनाक है दुनिया का अजाब बड़ा हल्का है आखरत के मुकाबले में अल्लाह के रसोल सलिया दुनिया, दुनिया का आजाब आखरत के आजाब के मुकाबले में बड़ा हल्का और कमजोर यानी हल्का है यह है आजाब दुनिया का और आखरत का आजाब बड़ा सख्त है अल्लाह तकमतल है उससे कोई कुछ पूछ नहीं सकता की उसको क्यों आजाब हुआ उसको नहीं हुआ उसको कम क्यों हुआ ज्यादा हुआ वो हाकिम भी है आदिल भी है जब जहाँ जो जैसे चाहता है फैसला करता है और सारे अफाल उसके अख्तियार में हैं कोई उस पर जब्र नहीं या कोई उस पर कलाम नहीं या उससे कोई बास नहीं कर सकता गुनहगारों से कहा गया गुनहगारों के बारे में कि अगर तुम सरकशी करते हो गुनाह का काम करते हो तो अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते ऐसा नहीं कि अल्लाह तुम्हें पकड़ नहीं सकता अल्लाह की गिरफ्त से बाहर हो अल्लाह की नजरों से बाहर हो नहीं आसमान और जमीन में उसके सवा तुम्हारा कोई वली और मददगार नहीं है जब उसकी पकड़ आएगी तो कोई नहीं छोड़ा सकता उसकी गिरफ्त आएगी कहीं नहीं बच के जा सकते वो तुम्हें दबोचना चाहे छोड़ा नहीं सकते आजाद किया है तुम्हें रस्सी ढील दिया है छोड़ दिया है और आसमानों जमीन में तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा वही मददगार है वही हाकिम मुतलक है वही कादिर है यानी इन आयतों में अल्लाह ने अपनी कुदरत का कमाल यानी मुकम्मल उसकी कुदरत है उसका जिक्र किया और उसके बाद बंदा चाहे जितने भी आजादी हासिल कर ले वो बंदा उस आजादी में ये ना समझे कि अल्लाह उसे नहीं पकड़ सकता बल्कि फरमाए कि वी फरूब अज़ाबुन अलीम तेविस नंबर की आयत में मजीद फरमाया कि, जो लोग अल्लाह की यातों को झुटलाते हैं वो मेरी रहमत से मायूस हो जाएंगे नाउमीद हो जाएंगे क्यों दुनिया में आदमी थोड़ा सा फड़फड़ा ले कूद ले, लेकिन जब अल्लाह का अजाब और उसकी पकड़ देखेगा तो वो मायूस हो जाएगा कि अब कहाँ हम बच करके जाएंगे अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे तो ये सूरत हाल कि मरने के बाद आदमी कहां जाएगा मरना ही मरना उसको है इसलिए कि जब कोई अल्लाह को तो जब अल्लाह को ही देगा तो रहमत की उम्मीद किससे करेगा कौन उस पर रहम करेगा अल्लाह को झुटला दिया तो अल्लाह के आजाब का मुस्तक हो गया तो बड़ी सराहत के साथ अल्लाह ने बंदों के हालात का जिक्र किया कि काफिर अपने कुफर की वजह से अल्लाह की रहमत से खुद मायूस हो जाएगा और उसके बाद इंसान पर अल्लाह की नेमत जितना ज़्यादा ज़ाहिर होगी और जितना ज़्यादा नेमत की वो कदर करेगा उतना उसका ईमान पुख्ता होगा और नेमत की नाकदरी जितना करेगा उतना ज़्यादा उसका ईमान कमज़ोर होगा इसीलिए आप देखिए कि सहाबा का ईमान कवि तर था बड़ा मज़बूत था क्योंकि नेमतों को और ईमान की के मज़ाहिर को सामने देखते थे करामतों की जरूरत सहाबा के दौर में कम पड़ती थी ताबईन उसके बाद के थे करामतें, ताबीन के जमाने में ज्यादा जाहिर हुई और अल्लाह की रहमत से काफिर मायूस होता है ईमान वाला मायूस नहीं होता है अल्लाह की मुलाकात और अल्लाह की रोयत जब मिलेगी बंदे को तो अल्लाह का दीदार भी दो तरह का बंदे को मिलेगा एक तो तकरीम का कि वो बंदे जो जन्नत में चले जाएंगे उनको दीदार मिलेगा अल्लाह का और दूसरे तंदीम नदामत और शर्मिंदगी का जो लोग नादिम और शर्मिंदा होंगे वो लोग दीदार करेंगे मगर अफसोस करेंगे नदामत का दीदार ये है अल्लाह रबूम की रोयत और मूसा सलाम को तूर पर अल्लाह की तजनी का जहूर हुआ लेकिन जन्नत में क़यामत के दिन अल्लाह का दीदार हमें मैसर होगा इस आयत में बड़ी सराहत के साथ अल्लाह ने अल्लाह पर ईमान का जिक्र किया कि बगैर अल्लाह से मिले और अल्लाह की मुलाकात किए बंदा बच नहीं सकता नहीं, मिलना है मोमिन है तो भी अल्लाह से मिलेगा काफिर है तो नदामत और शर्मिंदगी के साथ मिलेगा कि दूर से कि अब वो शर्मिंदा है किस मुंह से कहेगा कि मेरे मैं तेरे रहमत का मोहताज हूँ क्योंकि दुनिया में तो झुटलाता लाता था अल्लाह को रसूलों को झुटलाता था तो रोयत तंदीम यानी नदामत की रोयत और रोयत तकरीम यानी इकराम और इज़्ज़त एहतराम और की दोनों चीजें साबित हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन रहीम है उसकी रहमत सारी चीज़ों को घेरे हुए है तो इसीलिए अल्लाह ने जगह जगह जहाँ तौहीद का जिक्र किया वही आखरत और आखरत की मुलाकात का जिक्र करके बंदों को यह पैगाम और सबक दे दिया कि तुम उस दिन की तैयारी कर लो जिस दिन तुम अपने अमल के साथ मेरे पास हाजिर होगे मेरी बारगाह में पेश किए जाओगे और सज़ा जो होगी वो तुम्हारे गुनाहों की बदौलत होगी व अजाब अलीम दर्दनाक अजाब किसको होगा जो अल्लाह को झुटलाने वाले होंगे अल्लाह के रसूलों को झुटलाने वाले होंगे उनको दर्दनाक अजाब होगा वरना अल्लाह तो रहीम है गफूर है वदूद है बंदों को नवाजने वाला है सारी दुनिया अल्लाह ने बंदों के लिए मुसखर कर दी है सारे हैवाना चरिंदे परिंदे के इंसान तू इन न से फ़ायदा उठा सब कुछ तेरे लिए मैंने मुहैया कर दिया बस तू मेरी बंदगी कर सही रास्ते पे कायम रह यानी अल्लाह ने बंदों से अपनी बंदगी का मुतालबा किया अपने रास्ते पर चलने का मतालबा किया पिछली कौमों की तबाही का जिक्र करके हमें सबक दिया मैदान महशर की पेशी का जिक्र करके सबक दिया ये रसूलों की दावत का उसलूब और अंदाज होता था और यही दावत और यही उसलूब आज भी हमारे सामने होना चाहिए झूठे किस्से झूठी कहानियाँ झूठी कारामतें झूठे वाकयात मनगढ़त बातें बयान करके झूठ मूठ में लोगों को डरा करके समझाना दावत देना इसका कोई असर नहीं होगा बल्कि उसका नुकसान ज़्यादा होगा इसीलिए हमेशा सच्चाई का दामन पकड़ा जाता है उसी को अपनाया जाता है एक बड़ा मशहूर वाक है मशहूर है लोगों में कि एक साहब ने किसी से ऐसे झुठमु कहा कि तुम चालीस दिन तक नमाज पढ़ो पाबंदी से तुम्हें मैं इनाम में एक भैंस दूंगा तो उसने कहा ठीक है चालीस दिन तक पढ़ लेता हूँ जब चालीस दिन हो गया बयालीस दिन हो गया तो उसने कहा कि साहब मुझको आपने वादा किया था कि भैंस देंगे इनाम में तो दीजिए तो कहा कि अरे मैंने तो ऐसे ही कहा था कि तुम्हें आदत हो जाएगी इसी लालच में पढ़ने लगोगे तो उस शख्स ने कहा कि मुझे भी पहले ही से शुभ था आपकी बात पर यकीन नहीं था इसलिए पहले ही दिन से मैं बगैर वजू के पढ़ रहा था तो ये है झूठ के जरिए किसी को करीब करने का अंजाम के दोनों तरफ से आदमी के लिए हलाकत है और तो आप समाज में देखिए कितने ऐसे लोग हैं जो झूठ के जरिए लोगों को करीब करेंगे जब आदमी करीब आएगा तो मुतनाफिर हो जाता है तो रसूलों की दावत सच्चाई पर मबनी है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें रसूलों की दावत के तनाजुर में ज़िंदगी गुजारने की तोफीक़ बख्शे और उस दावत को आम करने फैलाने की तोफ़ी बख्शें आमीन वसल नबी महमद वही वसब अजमा नाजरन कराम आपकी महब्बत का नवाजिस का शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहिए इन शाह इसके बाद सुरान कबूत की आयत नंबर 24 और उसके बाद की आयतों के साथ हम आपकीkhidmat में हाजिर होंगे जजाकअल्लाह खैर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू इस क्लिप को बनाने में साइस्ता बेग ने अपने वालिद मोहम्मद यासीन बेग की तरफ से पूरा ताऊन किया है दीन की बात आम करने में आई प्लस टीवी की मदद करें पेटीएम या गूगल पे के लिए हमारे नंबर्स पर ट्रांसफर करें ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें